कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा कहानी के बारे में आपको बता देते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी हो जाएगी। यह कहानी एक ऐसे देसी लड़के की है जो गांव में रहता है, और दोस्तों पिछले साल उसकी शादी हो चुकी है। हाँ जी दोस्तों, इस कहानी में इनकी शादी हो चुकी है, वो भी शहर की एक बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत मॉडर्न लड़की दीप्ति के साथ। कहते हैं जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है, और जीवन साथी कौन हो, कैसा हो, कहाँ से हो, यह डिसाइड करता है ऊपर बैठा हुआ भगवान। ये बात मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है, और आप सब ने भी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जोड़ियाँ तो हमारे जन्म से पहले आसमान में बन जाती हैं। बेशक जोड़ियाँ आसमान में बनती हों, लेकिन धरती पर उन जोड़ियों को मिलाने का काम इन महाशय जी का है, और उन्हें हम सब प्यार से कहते हैं बिचौलिया, सिवाय इनके। ए भाई बूढ़े बंदर, बूढ़े बंदर मत कह के, जब देखो बूढ़े बंदर कहते रहे। अरे तू बुरा मत माने कर मेरी बातन को, तेरी शक्ल देख के कहूँ मैं। तेरी कौन सी मलूक है। ए भाई, अब तक कितने ब्याह करवा दिए तैने? देख लेता। 10 ब्याह करवा दिए। अरे 10 नो, हर ब्याह में तुम्हें अंगूठी मिले, यह हिसाब तो देख ले कितने ब्याह करवा देंगे। 10-15 चैन रखी हुई है। तेरी तो मोटी कमाई है। ये तो कुछ भी नो, ऊपर की कमाई ज्यादा मेरी। ऊपर की? वो कैसे? जोड़ा ही मैं ऐसे मिलो जो जल्दी टूट जा। बात है तो का फायदा है, वहां में ही तो ज्यादा फायदा है। ब्याह होएगो, हाँ, तलाक होएगो, वहाँ वकील की जरूरत पड़ेगी, हाँ, वहाँ तो मेरी कमीशन बन रही है। तुम्हारे लौंडा के भी 1 साल हो गए ब्याह है, लड़ाई झगड़ा उतरना चलो घर में ना। हमारे लौंडा को सही चल रहा है, हमें वकील की जरूरत ना है। बता दीजो, वकील से बात कर लूंगा फिर। वो आ लियो। पापा रे, अब देख लो थम यार, कहा होगा नू कह रहे कल करवा चौथ है। सही तो कह रही है, कल करवा चौथ है। अच्छा अच्छा, नू तो हमें भी पता हो कल करवा चौथ है, पर करवा चौथ पे तो लड़की व्रत रखे है ना, वो नू कह रहे तो वो भी रखना पड़ेगा। या क्यों रखना पड़ेगा? या है ना रखना पड़ेगा, मो को कह रही है मो रखना पड़ेगा ना। तू मत रखियो व्रत, व्रत हमारे खानदान में ऐसी रीत ना है। लौंडिया रखती आई है, लौंडिया ही रखेगी, आदमी नहीं रखेगा व्रत। एक दिन की तो बात है, रह ले एक दिन में, कहा दिक्कत हो, जितना रखो जाओ उतना रख ले, तुम ना रखो जाओ तोड़ दीजो। ऐसे व्रत तोड़ूंगा तो मेरी बहू मर जाएगी। अरे नौ मर रही तेरी बहू, जा जाके कह दे नौ रखना तो नौ रखना। पापा छोतन हो जाएगी, तू जाए ना जाए। ठीक ठीक है। अरे मैं ना रहूंगा व्रत व्रत। आपको तमीज नहीं है बोलने की? क्यों, कहा ठीक है। ये एरी क्या होता है? और कहा कहूँ, हमारा तो कोई बालक भी ना हुआ अभी, जनू कह दू सोनू की मम्मी। तो नाम नहीं है मेरा कोई? नाम ना लेते हम बहुन को। तो ऐसे तो मैं भी आपका नाम लेती हूँ। हाँ तो क्यों ले वे? मत ले करना। ठीक है महाराज जी, अब नहीं लूंगी। अच्छा चलो, अब ये बताओ कल आप रख रहे हो ना मेरे लिए फास्ट? हाँ कल की कल देखी जाएगी।
अरे चाय ले आइयो। आज कुछ नहीं मिलेगा, आज फास्ट है ना। मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। आज मत खाओ, कल खा लेना। अच्छा बर्थ कब खोलेगी? रात को। रात को? मैं आपके लिए सुबह से भूखी हूँ, आप मेरे लिए एक दिन भूखे नहीं रह सकते? मैं तो देख रहा था, वो देख रहा था ठंडी हुई नहीं हुई, बर्फ खोलेंगे जब खा पी लेंगे। भूख लग रही है, कैसे करूं? पता ना रोटी बनाएगी ना बनाएगी। अरे रोटी बनाएगी आज ना बनाए? आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने आपको सुबह बता दिया था ना आज फास्ट है, तो क्यों बार बार रोटी रोटी? सिर्फ पापा जी के लिए रोटी बनी थी, उनको मैंने खिला दी है, अब तुम बैठे रहो चुपचाप। ले लो, कहाँ है दुकान पे? यार एक काम कर यार, 10 तो समोसे और 1 किलो जलेबी लिया यार। हाँ पेटीएम कर दूंगा यार, क्या हुआ, कर दूंगा। लिया लिया भाई, जल्दी लिया। तो खान देगी, छत पे चलता हूँ, छत पे खाऊंगा, लुबक लुबक के खाऊंगा अपने बढ़िया तरीके से। जूता उता पहर के तू रही अब बरती, और हम खाएंगे समोसे और जलेबी। मत बनाओ मत बनाओ तू रोटी, तू रही अब भूखी, अब देखी जाएगी जो होएगा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ ही हूँ, छत पे हूँ। अब कुछ खा मत लेना। ऊपर कहाँ खाऊंगा डले। अभी राम राम, निंदर कहाँ है? हाँ ऊपर छत पे हैं, क्यों? निंदर को सामान लेकर आ, निंदर कहाँ है? यो 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 निंदर ले।
अरे सामान ले आजा, ले आजा चुतर के। भाई मैंने कब मंगाए? मैंने ना मंगाए। अरे तेरा सामान ही तो तेने मंगाया यार। अरे मैंने कब मंगा दिया यार, मैंने तो मंगाए भी ना, मैं क्यों मंगाऊंगा, आज तो हमारा बर्थ है वैसे भी। तेने तो मंगाया, भूल गो। मैंने ना मंगाए, मैं क्यों मंगाऊंगा, हमारा तो बर्थ है वैसे भी। भाई तेने अभी पेटीएम करे में धो रहा है फोन में। अच्छा हाँ, पापा को मंगाए, हमारा तो बर्थ है, हमको तो शाम को माल खाएंगे, मन की पापा बेचारे कहाँ खाएंगे। पापा को मंगाए मैंने तो, समोसे जलेबी होंगे हमें। हाँ पापा को ही तो मंगाए, मैंने ही मंगाए। हाँ बैठे पापा, हाँ दे दो उनको। कहाँ बैठे? वहाँ बैठे पीछे। समोसे नो, समोसे तो खत्म हो गए। और जलेबी? जलेबी भी खत्म है। काहे को? कुछ ना, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। तेने खाया ना कुछ? हाँ खान दे रही है, चंडाल हो रही है मोगू, खान दे रही है। एक काम कर, बाहर चलो जा, बाहर तक खा लीजा कुछ, छोले कुलचे खा लीजो, बाहर तक खाया जा। अच्छी शहर की लाए, शहर की लाएंगे, शहर की देखो, बाहर ही देखूंगा। जा। भाई वाह, समोसे बहुत जोर के, जलेबी भी बहुत जोर की, ये मंगाए किसने है? मरन दे, किसी ने मंगाए हो। अब सोएंगे थोड़ी देर, फिर रात को पकवान भी बनेंगे आज। आए मेरी है, मेरी है, मेरी है, तेरी है, मेरी है, मेरी है। सुनो, मैं कैसी लग रही हूँ? बुरी लग रही है बहुत। बुरी? बुरी ना, बुरी, बहुत बुरी लग रही है, एकदम चांद के जैसी लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं ना कथा सुनने जा रही हूँ, आप कहीं मत जाना, यहीं पे बैठे रहना। ठीक है ठीक, कहीं नहीं जाऊंगा।
हेलो सेंटी, कहाँ भाई? यार कुछ खाने को है? यार भाई कुछ भी लिया यार, खाने को लिया यार, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ भी लिया? हाँ भाई लिया यार, फास्ट लिया भाई, एकदम फास्ट लिया। आ लिए रे। भाई तेने मैं जिंदा कर दिया होगा। सेंटी तेने कभी करवा चौथ के व्रत रखा? मेरे तो ब्याह ही ना हुआ। मत कर भैया ब्याह। अगर ब्याह कर भैया तो भाई ऐसी तो कर भैया जो तो भूखा ना रखे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? बेबी ये फास्ट फूड है। तुम्हारा तो फास्ट था ना। बेबी मेरा फास्ट था, ये फास्ट फूड ही तो है। फास्ट में तो फास्ट फूड खा सकते हैं ना। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ तुम्हें। आओ तुम शाम को।